हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं माय हस्बैंड लिव्स इन ए फ्रीजर नाम के एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर रोमांटिक ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नाना नाम की एक लड़की एक दिन उसके बॉयफ्रेंड रियो का कत्ल कर देती है, क्योंकि वो उससे फोर्सफुली इंटीमेट होता था और उसे फिजिकली टॉर्चर भी करता था। नाना रियो को मार के उसे एक फ्रीजर में बंद कर देती है, लेकिन अगले दिन रियो जिंदा होके फिर से उसके पास आ जाता है। तो कौन है वो दूसरा रियो? क्या वो रियो का भूत है या फिर ये सब कुछ नाना का बहम है? ये पता करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के शुरुआत में हम नाना को देखते हैं, जो कि उसका बॉयफ्रेंड रियो के साथ रहती थी। पहले पहले उन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। रियो के साथ रहते हुए नाना फिर से खुद से प्यार करने लगी थी। उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन फिर कुछ दिनों से रियो बिल्कुल बदल गया था। वो नाना को फिजिकली टॉर्चर करता था और उसको उसके साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स भी करता था। इन सब चीजों से वो तंग आके एक दिन रियो को मार देती है और इसके बाद उसके लाश को स्टोर रूम के फ्रीजर में रख देती है। इसके बाद वो फिर से नॉर्मली अपनी जिंदगी बिताने लगती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन सुबह नाना जब ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तभी वहाँ रियो आके उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। उसे देख के वो बहुत ही डर जाती है और उसे लगता है कि वो शायद रियो का भूत हो सकता है। ये सोच के वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और बाहर निकलने के बाद ही उसकी मुलाकात उसके पड़ोसी कुजाकू से होती है। वो एक कॉमिक राइटर थी। उसे देख के नाना उससे नॉर्मली बातें करने लगती है। तभी उसके पीछे पीछे रियो भी वहाँ आता है। तो रियो को देख के कुजाकू भी उससे बातें करने लगती है। तो कुजाकू भी उसे देख पा रही है। इससे नाना समझ जाती है कि वो आदमी रियो का भूत नहीं है, इसके पीछे शायद कुछ अलग ही केस है। शायद उसने रियो के बदले किसी और को मार दिया है। ये सोच के वो फिर से उस डेड बॉडी को चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ वो रियो के डेड बॉडी को ही देखती है। ये देख के वो कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद नाना उसकी माँ से मिलने जाती है। वो एक साइकियाट्रिक थी। वहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उन दोनों में अच्छे रिश्ते नहीं है। नाना शादी करने वाली थी, इस बारे में भी उसने उसके माँ को नहीं बताया था, बल्कि किसी और से उन्हें ये बात पता चली थी। इसके बाद नाना उनसे कुछ बातें करके वहाँ से घर चली आती है। घर आके कुछ टाइम के लिए वो रियो को वहाँ ना देख के सोचती है कि शायद रियो का वहाँ होना उसका कोई वहम है। लेकिन तभी रियो उसके पास आ जाता है। रियो के फिर से आ जाने से उसके पास रियो को मारने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसे दूसरी बार मारने के बारे में सोचती है। लेकिन इस बार वो दूसरा रास्ता आजमाती है। उसने कॉमिक बुक्स में पढ़ा था कि डेविल को अगर खुद का ही मांस खिलाया जाए तो ये उसके लिए हानिकारक होती है। रियो उसके लिए एक डेविल था, इसलिए नाना सोचती है कि उसे मारने के लिए वो जिंदा रियो को मरे हुए रियो का मांस खिलाएगी। इसी प्लान के तहत वो रियो को काट के उसके मांस को कुक करके अगले दिन जिंदा रियो को टिफिन में दे देती है। इधर रियो टिफिन पाके खुश होके नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है। उसके जाने के बाद कुजाकू नाना से मिलने आती है। वो उससे बहुत सारा बातें करती है। उससे बातें करके नाना को अपनापन सा महसूस होता है, इसीलिए वो उसे रियो के बारे में सब कुछ बताने जाती है, लेकिन कुछ कारण से बता नहीं पाती। उधर हम देखते हैं कि रियो नाना के दिए हुए टिफिन को फेंक देता है और इसके बाद अजीब तरीके से हंसता है। तो इसका मतलब शायद रियो को नाना के प्लान के बारे में पता चल चुका था। रात में नाना फिर से उसी मांस को यूज करके रियो के लिए खाना बनाती है, लेकिन तब भी उसके माँ के आ जाने से रियो उस खाना को नहीं खाता। नाना की माँ रियो के बारे में जानने के लिए वहाँ आई थी। वो वहाँ जाके रियो से कुछ बातें करके वहाँ से चली जाती है। रात में नाना जब सो रही थी, तब रियो स्टोर रूम के पास जाके उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन स्टोर रूम लॉक होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता। कुछ देर बाद वहाँ नाना आ जाती है और उसे देख के रियो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नाना सुबह उठ के रियो के एब्सेंस में स्टोर रूम में जाती है और फ्रिज को ठीक से ढक के वहाँ से चली जाती है, लेकिन गलती से स्टोर रूम का दरवाजा लॉक करना भूल जाती है। इसके बाद वो उसकी माँ से मिलने जाती है। वहाँ उनसे बातें करते हुए अचानक से उसे याद आता है कि उसने स्टोर रूम का दरवाजा ठीक से नहीं लगाया था। ये याद आते ही वो तुरंत घर चली जाती है। वहाँ जाके वो देखती है कि उसने उस फ्रिज को जैसे रखा था वो वैसा नहीं है। ये देख के उसे शक होता है कि शायद रियो ने वहाँ
कुछ देख लिया होगा। ये सोच के वो रियो के पास जाती है। रियो बिल्कुल नॉर्मल था और वो नाना के लिए खाना बना रहा था। उसने एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक कोसुकी को आज उनके वहाँ खाने पर बुलाया था। इस बारे में जब नाना को पता चलता है तब वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद कोसुकी घर में आता है। वहाँ वो तीनों मिलके डिनर करने लगते हैं। वो खाना देश के नाना को लगता है कि रियो ने भी शायद उस डेड बॉडी के मांस से ही वो खाना बनाया है। ये सोच के नाना वो खाना नहीं खाती। डिनर खत्म होने के बाद कोसुकी वहाँ से चला जाता है और नाना भी रियो से डर के घर से भाग के कुजाकू के घर में चली जाती है। वहाँ जाके वो कुजाकू से बातें करते हुए उसे रियो के बारे में बताने ही जाती है कि तभी वहाँ पे रियो आ जाता है और काइंड ऑफ जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाता है। घर ले जाके वो नाना को खाना देता है तो नाना वो खाना नहीं खाती। उसे देश के रियो उसे बोलता है, तुम जो सोच रही हो मैंने इसमें वैसा कुछ नहीं मिलाया। ये सुन के नाना शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो? इस पर रियो बोलता है कि वो भूल गई, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। तो नाना उसे बोलती है, तुम रियो नहीं हो सकते क्योंकि मैंने तो उसको मार के फ्रिज में रख दिया है। ये सुन के रियो बोलता है, क्या तुमने सच में ही रियो को मारा है? चलो मुझे वहाँ ले चलो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ये सुन के नाना बहुत डर जाती है। उधर हम देखते हैं कि नाना की माँ ने रियो के बारे में पता लगाने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर किया है। वो डिटेक्टिव रियो के बारे में पता करके नाना के माँ को बोलता है कि उस लड़के का नाम रियो नहीं बल्कि सो है और वो माफिया के साथ काम करता है। उसने नाना को झूठ बोला था। उसका और नाना का बर्थडे सेम डे पर नहीं है। ये सब कुछ सुन के नाना की माँ घबरा जाती है। यहाँ मैं बता दूं कि नाना ने उसके माँ को बोला था कि फर्स्ट डे जब रियो से उसकी मुलाकात हुई थी उस दिन रियो ने उसे बोला था कि उसका और नाना का बर्थडे सेम है और यही पहली वजह थी नाना का रियो के प्रति इंटरेस्टेड होने का। यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।